हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले तक हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि पर्सनली 1.1 का है। पर्सनली यानी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सेकंड है, सार्थक पब्लिकेशन का सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है इस वीडियो में, ठीक है, इस चैनल पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी 1 से लेकर हम 29 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज की भी हम वीडियो में हम लोग 30 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कह रहा है कि यदि d/dx ऑफ एफ एक्स, यानी इसके यानी 29 वाले क्वेश्चन में क्या था, एफ डैक्स एक्स एक्स था। तो एफ डैक्स एक्स जो इक्वल किसके होता है, d/dx ऑफ एफ एक्स के। यानी अगर हम d/dx ऑफ एफ एक्स लिखें या एफ डैक्स एक्स लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यानी क्या है, एफ एक्स का मेरा अवकलन हुआ, तो एफ एक्स जो फंक्शन है उसका अवकलन हुआ, तो मेरा क्या प्राप्त हुआ है, 4x³ - 3x² - 3x⁴। यानी एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है उसका जब अवकलन किए हैं तो मुझे प्राप्त हुआ है 4x³ - 3x⁴, ठीक है। तथा f(2=0, तो हमको क्या करना है, फंक्शन ज्ञात करना है, एफ एक्स ज्ञात करना है। यानी जो ये फंक्शन, इसी को हमको फंक्शन को ज्ञात करना है, यानी फलन को हमको ज्ञात करना है। अब फलन का अवकलन दिया हुआ है, अब फलन का कह रहा है कि अगर फलन में 2 रख दिए जाए x के बराबर, तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इतना टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको, पहले वाले वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट वाले में, अगर मेरा क्या है f(x) है, मतलब कोई किसी फलन का अगर अवकलन दिया हुआ है और वो फलन हमको ज्ञात करना है, तो उसका सीधे हम समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो f(x) = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ एफ एक्स। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, d/dx ऑफ एफ एक्स, इसका मान दिया है यहाँ पर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान रख देते 4x³ - 3x⁴ dx, ठीक है, इतना कर दिए। अब इसका हमको समाकलन कर देना, समाकलन कर दीजिए। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 4 कांस्टेंट 4 बाहर हो जाएगा, तो 4x³ का जब समाकलन करेंगे तो x⁴/4 माइनस 3 है, माइनस का यहाँ 3 है, ठीक है, 3 कांस्टेंट 3 को बाहर कर दिए, अब x⁴ बचेगा, 1x⁴ बचेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे जब, तब मेरा x⁻⁴ होगा। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो इसके एक प्लस ऐड होता है, अब प्लस माइनस का 4+1, तो यानी x⁻⁢ - 3 आएगा, ठीक है। तो माइनस का थ्री यहाँ ऑलरेडी माइनस माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बचेगा मेरा क्या, x⁻³। तो x⁻³ क्या होता है, 1x³। तो वही लिखे हैं 1x³, अब प्लस का कांस्टेंट ऐड किए दिए, ठीक है। तो f(x) = इतना आपको प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा कंडीशन यहाँ क्या किया, सेकेंड कंडीशन दिया है कि f(x) = 2 दिया है, f(x) = 2 दिया है, ठीक है। तो एफ यानी एक्स के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मान को पुट कर दीजिए इसी समीकरण 2 में, x = क्या है, x = 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 3 प्लस का कॉन्स्टेंट c है, ठीक है। अब देखिए f(2) का मान कितना दिया है, f(2) के स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है f(2) = 0। यहाँ पर 0 रख दिए, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 के पावर 4 यानी 16 हो गया प्लस का, और 2 के पावर 3 क्या है, तो 8 हो जाता है, 1/8 हो गया प्लस का c। अब इसका क्या है, LCM ले लीजिए, इसका हर 8 है, तो इसका क्या है, त्रिभुज मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ठीक है, त्रिभुज मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 16/8 क्या होता है, 128 प्लस का 1/8 हो जाएगा, 16/128 प्लस का 1, यहाँ ये 1 है, 1 का 1 ही होगा, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 8 × 1 यानी 8 ही होगा। तो 129/8 प्लस सी। तो अब देखिए हमको सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो c = हो जाएगा, इसको इधर पश्चांतर कर देंगे तो माइनस का 129/8 सी का मान आ गया। अब यही सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में हमको सी के स्थान पर यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो fx मेरा मान निकल जाएगा, तो fx = जो हो जाएगा, fx = x⁴ प्लस 1/x³ माइनस, अब सी के स्थान पर हम रख देंगे माइनस का 129/8, तो माइनस का 129/8, तो ये आपका फंक्शन का मान निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 को रहा है फाइंड द वैल्यू यानी हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 31 में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx यानी इनका हमको समाकलन करना है। तो इसको में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला क्या होता है, 2 cos a यानी ये देखिए किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिए 2 तो नहीं है लेकिन cos a cos b यानी क्या a और b का मान बदला हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म किसका दिख रहा है, 2 यानी cos से cos b, तो 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। इस फॉर्म में हमको लाने के लिए, इस रूप में हमको लाने के लिए यानी इस क्वेश्चन को इस रूप में लाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड कर दिए तो 1/2 कॉमन कर लिए हैं, और अब देखिए 2 cos a इंटू cos b यानी a हो गया, ये टोटल b हो गया, तो 2 cos a इंटू cos b। तो फार्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस का cos a माइनस b होता है, ये फार्मूला होता है। cos अगर 2 cos a cos b कहीं दिख रहा है तो उसका जो फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b होता है प्लस का cos a माइनस b होता है, ठीक है। तो इसको मान रख दीजिए, देखिए cos a के स्थान पर क्या है 2x है, b के स्थान पर 4x है, तो cos a प्लस b तो 2x प्लस यानी 2x प्लस का 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो cos 6x हो गया प्लस। अब यहाँ पर क्या है cos a माइनस b, a का मान कितना है, a का मान 2x है, b का मान क्या है 4x है, तो यानी 2x माइनस का 4x ये cos में होता है, यानी cos 2x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा cos माइनस का 2x। अब कॉस अगर कहीं माइनस में रहता है तो उसका मान प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो कॉस 2x हो गया, प्लस का चिन्ह अगर भी देखिए फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए कॉस माइनस एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है आपका कॉस में, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहने देंगे, कॉस 2x हो जाएगा, ठीक। अभी क्या करें, देखिए अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए, बीच में प्लस आ गया, अब इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए। अब तो 1/2 तो कॉमन है, सभी में कॉमन है, कर दीजिए। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, कोई बात नहीं है। अब cos 6x का जब हम आपको समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 6x हो गया, और x का कोफिशियंट क्या है, x का गुणांक जो 6 है, तो 6/6 कर देंगे, ठीक। प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएं, cos 2x है, तो cos 2x का यानी cos x का साइन x होता है, sin 2x हो गया, चूँकि 2x की जगह क्या है, x की जगह 2x है, तो 2x लिखेंगे sin 2x, अब बाई x के साथ क्या है 2 है, एक्स के साथ 2 है, तो sin 2x/2 हो जाएगा, ठीक। अब 1/2 यहाँ था, तो देखिए इसमें भी 1/2 गुणा किए, इसमें भी तो 1/2 दोनों कर दिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sin 6x/12 यानी 1/12 sin 6x, 2 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 = 4 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 sin 2x प्लस का c, तो हो जाएगा आपका आंसर। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 का कॉमन, तो या तो इसको लिखे या से इसको लिखे, दोनों आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31 का 2। 31 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x, ठीक है। इसमें भी हमको क्या करना है, 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला बन रहा है, 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 यानी 2 से डिवाइड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, अब ये फॉर्म बन गया 2 साइन a का मान है 2 साइन a इंटू कॉस b, ठीक है, dx। अब ये फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू होता है sin a माइनस b, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए एक बार, 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है sin a + b, अब प्लस का sin a - b होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी पर रख दीजिए, तो sin a + b एक स्थान पर 4x है, 3x है, तो 4 और 3 के ना 7x, तो sin a + b क्या होगा, sin 7x, प्लस का चिन्ह लगाए, और a - b यहीं 4 में से 3 जाएगा, तो sin x बचेगा, सिर्फ 4 में से 3 जाएगा, sin x बचेगा, इतना बचा। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 1/2 कॉमन ही रहने दीजिए, 1/2 कॉमन, sin 7x का समाकलन क्या होगा, sin x का समाकलन माइनस का cos x, तो माइनस का cos 7x
एक्स के साथ सेवन है बाई सेवन कर देते हैं, तो माइनस एक कॉस सेवन एक्स बाई सेवन माइनस, यहाँ चूंकि देखिए साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स, इसलिए माइनस हो गया, माइनस का कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस का कॉन्स्टेंट सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेम इसी तरह से क्वेश्चन ये भी है। सेम क्वेश्चन ये भी है, देखिए सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन ये भी है, सॉल्व कीजिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पर, 31 का फोर नंबर क्वेश्चन साहब, क्वेश्चन नंबर फोर का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस बीटा, कॉस एक्स माइनस बीटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, यानी कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस बीटा का हमको समाकलन करना है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको कॉस मेरे जो नीचे हर है उसमें क्या एक्स, एक्स के स्थान पर क्या एक्स, एक्स माइनस बीटा है, और ऊपर क्या है एक्स है, तो उसमें क्या करेंगे, एक्स के में यहाँ से यानी इसके जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, इसमें क्या करेंगे, प्लस का बीटा ऐड करेंगे और माइनस का बीटा, प्लस का बीटा और माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऊपर अंश में अंश को चेंज कर रहे हैं, चूँकि मेरा हर क्या है एक्स माइनस बीटा में है, तो इसको चेंज करेंगे। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, अभी जब बीटा प्लस और माइनस दोनों किए हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको नीचे बीटा है ना, तो बीटा वाला को एक पेयर बना लेंगे और इसको मझले ब्रैकेट में इसको पैक कर देंगे। ठीक है, तो कॉस हो जाएगा बीटा वाले को छोटे ब्रैकेट में करेंगे, एक साथ करेंगे प्लस का बीटा, यानी एक ब्रैकेट लगा देंगे उसके अंदर, यानी कॉस के फलन में ही है फंक्शन, यानी कॉस अल्फा माइनस सॉरी एक्स माइनस बीटा प्लस का बीटा, देखिए मान में कोई चेंज नहीं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, अब बटन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, अब यह कॉस हो गया, कॉस ए इतना ए मानिए, ए बी मानिए, यानी ए इक्वल टू मानिए और ए इसको बी इक्वल टू मानिए, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला मेरा बन गया, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का जो फार्मूला होता है आपका साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला इस फार्मूले पे अप्लाई होगा। ठीक है, तब यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी का इसमें फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो कॉस ए के स्थान पर एक्स माइनस बीटा, कॉस एक्स माइनस बीटा, अभी हर जो है उसको सेम सभी के हर के नीचे लगाते रहेंगे। ठीक है, कॉस ए होगा कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस बी, कॉस बी के स्थान पर क्या है, कॉस बी का स्थान पर बीटा, यानी कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस साइन साइन ए, साइन ए के स्थान पर क्या, ए के स्थान पर एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब बटे में टोटल क्या है, कॉस एक्स माइनस बीटा, बटे में कॉस एक्स माइनस बीटा है। ठीक है, और टोटल का डी एक्स है, बड़ा ब्रैकेट लगाएं टोटल का डी एक्स। अब आगे देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए बीच में माइनस है, इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेशन आप कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा अब बटे कॉस एक्स माइनस बीटा डी एक्स, माइनस है तो माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन आप साइन एक्स माइनस बीटा इंटू बीटा है अब बटे कहिए कॉस एक्स माइनस बीटा। अब देखिए कॉस एक्स माइनस बीटा एक दूसरे से कैंसिल हो गया, एक दूसरे से कैंसिल बचेगा क्या, कॉस बीटा भर बचेगा, यानी कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट उनको बाहर कर देंगे, कॉस्ट बीटा, अब बचेगा सिर्फ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ साइन बीटा बचेगा, और ये जो क्या होगा, साइन एक्स माइनस बीटा बटे कॉस एक्स माइनस बीटा इजकल टू टेन एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, और ये साइन बीटा कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो माइनस है तो माइनस का साइन बीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों जो मिलकर, ये दोनों आपका टेन एक्स माइनस बीटा बन जाएगा, टेन एक्स माइनस बीटा डी एक्स हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा, अब आगे देखते हैं। अब क्या है, dx का जब समाकलन करेंगे तो x आएगा, तो x cos बीटा हो गया, माइनस है तो माइनस लगाए, sin बीटा लिख दिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बीटा, tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x होता है, तो x x के स्थान पर क्या है, x माइनस बीटा है, तो x के स्थान पर x माइनस बीटा रख देंगे, तो log sec x माइनस बीटा प्लस का कॉन्स्टेंट सी, प्लस का कॉन्स्टेंट सी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा आपका, अब देखिए कॉस में ये तो हम सेक में लाएँ, अगर आप इसको भी आंसर बना सकते हैं, अगर आपको इसको चेंज करना होता है तो
इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का जो फार्मूला, एक दो फार्मूला होता है, देख लीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का एक फार्मूला होता है माइनस का कॉस, माइनस का लॉग, सॉरी जस्ट वन मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इक्वल टू होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है, और इक्वल टू दूसरा जो फार्मूला होता है यानी लॉग सेक एक्स होता है, सेक एक्स, ठीक है। अब प्लस का कॉन्स्टेंट सी तो दोनों में ऐड रहेगा, तो आप कॉस में जब चेंज करेंगे तो माइनस है, माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस से ऑलरेडी क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बीटा इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस बीटा प्लस का कॉन्स्टेंट सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर ले जाएंगे आई होप, लेकिन फिर भी बता देते हैं अभी जल्दी जल्दी में। इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, एक्स के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 सॉरी माइनस 2x प्लस का 7 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन में एक्स के पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का 3 कॉन्स्टेंट कर दिए बाहर, इस तरह आप कर ली जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, सभी को अलग अलग तोड़ करके जो एक्स से कटने वाला है काट दीजिएगा, देखिए जो काटने वाला है एक दूसरे से कट जाएगा और उसका आप समाकलन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, देख लीजिए, बता देते हैं नहीं तो बाद में हम लोग कहेंगे कि आप क्वेश्चन छोड़ दिए थे। इसको अलग कर लिए, इसको अलग करिए, अब बटे 7 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 3 में भाग देंगे तो मेरा बचेगा क्या, सिर्फ आपको बचेगा एक्स, बचेगा इंटीग्रेशन आप है, और एक्स का अवकलन समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस का 3 है, प्लस का 3 एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा डी एक्स, डी एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, 3 एक्स हो गया, माइनस का 2 बचा। अब देखिए एक्स से एक्स स्क्वायर जब काटेंगे, एक्स से एक्स स्क्वायर जब काटेंगे बचेगा 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका जब समाकलन करेंगे तो आपका होता है लॉग एक्स, 2 कॉन्स्टेंट 2 लॉग एक्स हो गया, प्लस का सी 7 और डी, अब इसका जब समाकलन करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करेंगे तो आपका आएगा एक्स की पावर माइनस 1 यानी 1 बाई एक्स आएगा, तो यानी 7 बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है 32 का, सेकंड नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन करना है ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए का स्क्वायर क्या है 1 होगा, बी का स्क्वायर क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू 1 इंटू बी का मन क्या है 1 बाई एक्स है, तो 2 बाई एक्स है प्लस का 2 बाई एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो 1 का समाकलन क्या है एक्स हो जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा 1 बाई माइनस का 1 बाई एक्स होगा, ठीक है, माइनस का 1 बाई एक्स कैसे होगा आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। इस तरह से कर देंगे यानी एक्स को ऊपर ले जाएंगे माइनस 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यानी एक्स की पावर माइनस 2 प्लस का 1 बटा माइनस का 2 प्लस का 1, ये प्लस ही रहेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 बाई एक्स। अब यहाँ 2 बाई एक्स है यानी 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन अब डी एक्स बाई एक्स होगा, इसका लॉग एक्स हो जाएगा प्लस का लॉग एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो में सब बताएं इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। टाइम अधिक हो जाएगा, जैसे कितना टाइम हो गया देखिए 18 मिनट हो गया, 2 मिनट और। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस टाइप के सभी क्वेश्चन बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स में हमको फार्मूला पता नहीं है तो हम इसको सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी सेक वन धन टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 धन 10 स्क्वायर x इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर x, चूंकि हमको 10 में फार्मूला नहीं पता, 10 को यहाँ पर रोकेंगे एक पक्षांतर करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर x के स्थान पर लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका जब समाकलन करेंगे sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x 1 dx, sec स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है और 1 का समाकलन क्या होता है माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी है, तो हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 3x बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक दूसरे देखिए कैसे पावर 3 है यानी साइन के पावर 3x है बटा साइन के पावर 2x है, एक दूसरे से कैंसिल होगा, साइन एक्स बचेगा सिर्फ साइन एक्स और यहाँ पर बचेगा सिर्फ कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स का समाकलन करेंगे साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो प्लस का साइन एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी, तो हो जाएगा आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर फाइव का रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये देखिए इसको क्या बन रहा है, फार्मूला एक बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला बन रहा है। टू से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये साइन टू एक्स का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो साइन टू एक्स का फार्मूला हमको बना दीजिए, क्योंकि साइन टू एक्स में समाकल हम आसानी से कर ले जाएंगे। तो टू से मल्टीप्लाई किए, टू से डिवाइड, तो ये बन गया साइन टू एक्स बन गया। तो 1/2 कॉन्स्टेंट अब बाहर रख दिए और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक। अब साइन टू एक्स का समाकलन क्या होगा, तो 1/2 बाहर है साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, तो साइन टू एक्स का माइनस का साइन माइनस का कॉस टू एक्स, अब बाय टू है, टू इसके साथ है तो बाय टू कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 1/4 कॉस टू एक्स, तो हो जाएगा प्लस का सी कॉन्स्टेंट है प्लस, तो हो जाएगा आपका आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में हम बताए थे आपको परिमेयकरण करने के लिए, इसका परिमेयकरण करिए, यहाँ माइनस है तो आंसर हर में क्या है प्लस से गुणा कर देंगे। देखिए तो 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 होगा, बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, चूँकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है एक कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको क्या करें अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए, चूँकि बीच में प्लस है तो 1/cos² x प्लस है साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर समझिए साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों क्या है आपस में मिलकर टेन बन गए, और ये कॉस ऊपर जाएगा sec हो जाएगा, टेन एक्स हो गया और कॉस ऊपर जाएगा sec एक्स हो गया। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो टेन एक्स होता है, प्लस का चिन्ह प्लस, टेन एक्स इंटू sec एक्स का समाकलन क्या होता है sec एक्स होता है, तो sec एक्स लिखिए ब्रैकेट क्लोज कर दिए प्लस का कॉन्स्टेंट सी, तो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ नीचे सभी ईजी है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप इस प्रश्नावली 1.1 के क्या है सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, यानी 1 से लेकर 32 के सभी क्वेश्चन लगभग में सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, मैं समझ रहा हूँ कि ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब कल से इसका चैप्टर टू स्टार्ट किया जाएगा, जो कि होगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो चैप्टर टू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है, इससे भी बनता है, बेसिक इंटीग्रेशन था। अब कल से चैप्टर टू प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के सभी को पहले इसका कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उसका क्या है प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन में तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।